तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम यहाँ पे दो दो टर्म की ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट में ले रहे हैं किसकी ग्रुपिंग, 6pm एंड 9mq की। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में m कॉमन है। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं को ले सकते हैं, हम 6pm के साथ 8pn को भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में p कॉमन है। ठीक है, तो आप चाहे इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए, और बचेगा जो उन दोनों टर्म्स को आप एक साथ ले लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को एक साथ कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, इनकी ग्रुपिंग 6pm एंड प्लस 9mq। ठीक है, एंड प्लस का साइन, ये दोनों आ जाएंगे अब यहाँ पे, क्योंकि इनमें क्या कॉमन है, यहाँ पे इनमें है n कॉमन। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनकी ग्रुपिंग 8pn प्लस 12qn है ना। तो यहाँ पे अब देखो, इसमें हमें m कॉमन मिल रहा है, एंड यहाँ पे इसमें 6 और 9 में, तो 6 और 9 को मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहां से हमें 3 भी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या ले लेंगे बाहर, 3m, क्या ले लेंगे, 3m बाहर ले लेंगे। अब देखिए, जब मैं यहां से 6pm से 3m को बाहर ले चुका हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, एंड m यहां पे बाहर आ ही चुका है, तो साथ में है p, इसके बाद प्लस का साइन। तो यहां पे देखिए 3m बाहर आ चुका है, तो बचेगा क्या, 3q। ठीक है, 3q, इसके बाद प्लस का साइन यहां पे। अब देखिए, इसमें n तो हमारा कॉमन है, ठीक है, सेम है इन दोनों में, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, एंड इसको 8 को राइट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, एंड 12 को राइट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3। तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं हम 4 और n कॉमन। ठीक है, तो 4n हमने यहां पे कॉमन ले लिया है, यहां पे बाहर निकाल लिया। अब देखिए, 8pn से अगर मैं 4n बाहर निकालता हूं, तो क्या बचेगा, तो यहां पे 4 आ गया एंड यहां पे n आ गया, तो बचेगा क्या, 2p, क्या बचेगा यहां पे, 2p, एंड यहां पे प्लस का साइन। तो यहां पे देखिए, 4 आ गया बाहर और n भी बाहर आ गया, तो बचेगा क्या, 3q, तो यहां पे 3q राइट करेंगे। अब देखिए, इसमें 3m इंटू 2p प्लस q एंड 4 इंटू 2p प्लस q, इन दोनों में ये सेम है। ठीक है, तो यहां पे दो टर्म है, इन दोनों टर्म में हमारा ये सेम है, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2p प्लस 3q एज ए कॉमन। तो जब हमने इसकी फर्स्ट टर्म से 2p प्लस 3q को बाहर ले लिया, तो यहां पे बचेगा कितना, 3m, एंड उसी तरह से हमने इसकी सेकंड टर्म 4n इंटू 2p प्लस 3q से इसको बाहर ले लिया है 2p प्लस 3q को, तो बचेगा क्या, ये बचेगा 4n। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे।